हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आपके चैनल सलाम सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेस्ट बंगाल के प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन या लैपटॉप से। चलिए शुरू करते हैं। सिंपली आपको अपने गूगल में WBUDMA सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको ये पहला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र पर। पेज ओपन होने के बाद अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन सिटीजन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने को बोला जाएगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना म्यूनसिपलिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना वार्ड नंबर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना होल्डिंग नंबर टाइप कर देना है। जैसे ही टाइप करने के बाद आप प्रोसीड्यूर पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा वेरीफाइड करके आपको आगे की तरफ भेज दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैं अपना डाल दिया, अब यहाँ पे प्रोसीड्यूर पे क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा जो है वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे डिटेल शो किया जाएगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स का। और यहाँ पर नीचे की तरफ देख पा रहे हैं आपका 2022 से 2023 का अमाउंट जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो शो किया जा रहा है 180 रुपये। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड्यूर पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड्यूर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पे पेमेंट डिक्स सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म पेमेंट पे ओके कर देना है। करने के बाद अब यहाँ पे आपको पेमेंट का मेथड सिलेक्ट करना है। आप जो हिसाब से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैक पेमेंट में क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद अब यहाँ पे मेरा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं या अपने बारकोड से भी स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना बारकोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया बारकोड पे। अब यहाँ पे मैं अपना फ़ोनपे से इसको स्कैन करके यहाँ से पे कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर दिया हूँ, अब यहाँ पे देख पा रहा है हमारा जो लोडिंग स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ पे कुछ देर वेट करने से हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ देख पा रहे हमारा ट्रांजेक्शन ID भी शो किया जा रहा है और पेमेंट भी हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल है वो रिसीव हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में। तो इस तरह से आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स को पेमेंट कर सकते हैं।